नहीं भाई खुद पकाते हैं, विशेष पकाती हैं। क्या हाल है माशाल्लाह जी। चूमर सलाद है जो कोई भी नहीं बनाता। चूमर सलाद है नदीम भाई के मुताबिक कह रहे हैं जी, ये कोई बंदा नहीं यहाँ पे बनाता। आपको पूरे गुजरे वाला में कोई दाल चावल वाला ये ग्रीन चटनी नहीं देगा। ओहो ग्रीन चटनी जो है वो आ चुकी है माशाल्लाह। ओहो फुल हैवी जिसे कहते हैं ना, दो प्लेटें जो हैं इनके मुताबिक एक कुछ के अंदर जो है वो आ जाती हैं। पीछे में फिटनी आ चुकी है। ओह हो माशाल्लाह। तो ये हैं जी नदीम भाई और ये इनका सेटअप लगा हुआ है दाल चावल का। यहाँ पे बेसिकली आपको तीन किस्म की जो है वो क्वांटिटीज मिलती हैं। एक जो है वो ये प्याला है जिसकी प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ है, और एक आपको ये केनाली मिल जाती है जिसकी प्राइस जो है वो 130 रुपीज़ है, और ये आपको एक कुजा मिल जाता है इसकी प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ है, और ये आप घर साथ भी लेके जा सकते हैं सिर्फ कुजा। नदीम भाई कितनी देर हुई है अभी? 3 माह हो गए। 3 माह हो गए आपको? चलें जी 3 माह हो चुके हैं नदीम भाई को यहाँ पर दाल चावल लगाते हुए। चावलों की क्वालिटी बताए माशाल्लाह। नदीम भाई कह रहे हैं चावलों की क्वालिटी दिखाएं आप। अच्छा स्टीम का है ना चावल पके रहे हैं। अच्छा स्टीम के इस कायनात के स्टीम चावल जो होते हैं ना वो नदीम भाई कह रहे हैं हम पकाते हैं। नदीम भाई कुजे के अंदर कितनी प्लेटें आ जाती हैं? दो प्लेटें आ जाती हैं कुजे के अंदर जो है वो, दो प्लेटें जो है वो चावलों की आ जाती हैं ईजीली, मतलब दो बंदे आराम से खा लेते हैं कुजा। कुजे के अंदर चावल जो है वो ऐड किए हैं, उसके बाद जो है वो अंदर दाल ऐड की जा रही है। अच्छा एक लेयर नीचे जो है उन्होंने चावलों की लगाई है और ऊपर दाल डाल के दोबारा जो है वो ऊपर जो है वो चावल डाल दिए जाएंगे, ताकि दाल जो है ना आपको लास्ट तक जो है वो सूखे चावल ना मिले, पूरे एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट आपको मिले। दो बंदे खा सकते हैं नदीम भाई से? बिल्कुल आराम से। ओके हो गया, दोबारा जो है वो ऊपर जो है वो दाल डाली जाएगी। फुल जो है वो दाल से जो है कुजे को उन्होंने भर दिया। एक कनाली भी हमने लगवा लिया है, उसके ऊपर जो है आप दाल डाली जाएगी। एक में हमने अंडा डलवा लिया और एक में जो है वो हम शामी दबाते हैं। इनके पास अंडा भी अवेलेबल है और शामियाँ भी। ये घर से तैयार की हैं जी नदीम भाई? क्या नदीम भाई खुद पकाते हैं? विशेष पकाती हैं। क्या हाल है माशाल्लाह जी। शामियाँ भी हमने जो है वो एक में रखवा लिया और एक में जो हमने अंडा रखवा लिया। इनकी लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो जैसे ही आप पीपल कलोनी में आएंगे, पीपल कलोनी में आते साल मास्टर बिरयानी के बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा मटका दाल चावल। उसके बाद कचूमर सलाद है जो कोई भी नहीं बनाता। कचूमर सलाद है नदीम भाई के मुताबिक कह रहे हैं जी, ये कोई बंदा नहीं यहाँ पे बनाता खास तौर पर दाल चावलों के साथ। आपको पूरे गुजरे वाला में कोई दाल चावल वाला ये ग्रीन चटनी नहीं देगा। ओहो ग्रीन चटनी जो है वो आ चुकी है। नदीम भाई कह रहे हैं स्पेशल जो है वो मेरे हाथ की चटनी बनी हुई है। कुजा जो है वो हमारा जो है वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ओहो फुल हैवी जिसे कहते हैं ना, दो प्लेटें जो हैं इनके मुताबिक एक कुजे के अंदर जो है वो आ जाती हैं। ओहो वजन से मुझे महसूस हो रहा है यार वाकई। और साथ जो है वो हमने एक कनाली लगवा ली है माशाल्लाह। मुंह में पानी आ रहा देख के। बाकी टेस्ट करते हैं टेस्ट में कैसे। इसकी प्राइस मैं आपको फिर बता दूँ तो 250 रुपीज़, और इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ तो इसकी प्राइस 130 रुपीज़ है। तो हम बाइट बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी हम ग्रीन चटनी लेते हैं, थोड़ा सा कचूमर सलाद लेते हैं, थोड़ी सी हमने जो है वो शामी ले लिया। ओए होए 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 जो ग्रीन चटनी का इनका फ्लेवर आ रहा है ना पूरा पुदीने का, मैं कहता हूँ वो एक जब आप बाइट बनाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा जो है आपको टेस्ट करवाता है। और राइस की क्वालिटी को देखें तो वो भी बड़ी फिट किस्म की है, और दाल की खास तौर पर बड़ी फिट किस्म का, क्योंकि गुजरांवाला के पुआन जो है ना वो दाल चावल आपको पता है हमारे यहाँ पे कॉमी डिश समझी जाती है गुजरांवाला में। दाल चावल जो हमने खा लिया उसके बाद जो है वो मीठे में फिटनी आ चुकी है। ओए होए 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 माशाल्लाह। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ तो 50 रुपीज़ सिर्फ इसकी प्राइस है। बाकी बड़ी प्यारी सी लग रही है, हाइजेनिक सी। बाकी टेस्ट करते हैं कि टेस्ट कैसी है। ये भी वगैरह होम मेड है। ऊपर बादाम वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं। ओए होए होए दाल चावल के बाद जैसे दाल चावल वैसी फिरनी।